स्टार्ट करता हूँ ये सेंटर लॉगिंग से, या आप स्ट्रिक्ट फ्लिप वाले स्टाइल में होती है, कुछ इस तरीके से अनलॉक कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो, अगर मैं एक बटन दबाऊंगा ना तो ये देखो गाइस, ये इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है। एक वार्निंग देगी और इसके बाद ये वार्निंग, तो ये देखो फ्रेंड्स। सो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त लेओ, आपके लिए कौन है टॉपिक, एक और नया वीडियो, नाउ वाचिंग ऑन माय YouTube चैनल। तो फाइनली गाइस, मैं आया हूं आपके लिए टीवीएस अपाची, जो कि आपका 4B वाला मॉडल है, उस पर मॉडिफिकेशन। उसमें काफी सारी मॉडिफिकेशन हो चुकी है, और अगर आप अपनी अपाची में मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो तो आपकी बहुत हेल्प होगी इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल को लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो लाता रहता हूं, और बहुत सारी वीडियो आपको अपाची की हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, चाहे आपके पास RTR वाला हो या आपके पास जो है 4B वाला कोई मॉडल हो, चाहे आपके 2cc हो या फिर आपके पास 160cc हो। चलिए शुरू करते हैं। Never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life. So guys, आपकी जो TBS Apache 4B थी वो हो चुकी कंप्लीट, ये देख सकते हो दूर से, देखो बिल्कुल कंप्लीट है। सो गाइस, स्टार्ट करता हूँ ये सेंट्रल लॉगिंग से, या आप देख सकते हो सेंट्रल लॉगिंग में आपको दो चाबियाँ मिल जाती हैं, दो की मिलती हैं, जो एक फ्लिप वाले स्टाइल में होती हैं कुछ इस तरीके से, और इनसे दोनों से आप अपनी बाइक को लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो, अगर मैं एक बटन दबाऊंगा ना तो ये देखो गाइस, ये इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वहीं इसको मैं ऑफ कर सकता हूँ, इस तरीके से लॉक कर सकता हूँ, और इसके बाद अगर कोई इसको टच वगैरह करेगा ना तो ये एक वार्निंग देगी, और जिसके बाद ये वार्निंग के बाद ये देख सकते हो आप, तो ये सब फीचर्स भी होते हैं जिससे कि पता रहता है कि बाइक को कोई टच कर रहा है, तो इस तरीके का ऑप्शन है, काफ़ी सेफ्टी फीचर है, तो ये आपको लगवा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो गया सेंट्रल लॉकिंग। अब गाइस, नॉर्मली इसका इग्निशन ऑन करता हूँ मैं, तो समझ गया, इसको पहले अनलॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो फ्रेंड्स, और गाइस, इसका जो ऑल ओवर कॉन्सेप्ट लिया गया है ना, वो लिया गया है ब्लैक और रेड के साथ, यानी कि पूरी जो बाइक है ब्लैक और रेड है, तो उसी हिसाब से इसको ब्लैक और रेड का कॉन्सेप्ट लिया गया है। देखो यहाँ भी जिसके ओरिजिनल ग्राफिक्स थे ना, वो भी ब्लैक और रेड आते, तो यहाँ पर उसके साथ में ये देखो गाइस, ये ओरिजिनल है इसका, उसी के कॉन्सेप्ट पे सेम यहाँ डिजाइनिंग करेगी ग्राफिक की। ये देखो, जो कि ब्लैक में रेड की जो ग्राफिक है वो अलग ही दिख रहा है, ब्लैक पे जो रेड का ग्राफिक है वो अलग ही दिख रहा है, ये देख सकते हो गाइस। वहीं यहाँ पर जो है वाइट कलर की स्ट्रिप्स लगा दी गई, ये देखो गाइस, ये देख सकते हो इसकी हेडलाइट के ऊपर जो ग्राफिक्स हैं ये वाइट के हैं, और यहाँ पर जो विंग लाइट है ये रेड कलर की है, और इसी रेड को कॉम्बिनेशन के लिए दिया गया है, यहाँ रेड से और यहाँ रेड से ये आते हैं प्रॉपर ब्लैक। बट इसको क्या किया, ये ट्रांसपेरेंट होता है ये वाला एरिया, तो इसको क्या किया है, इसको कर दिया रेड, क्योंकि ऑल ओवर ब्लैक और रेड का कॉन्सेप्ट था, तो उस हिसाब से इसको मिलाया गया, ये देख सकते हो। और गाइस, ये वाला जो वाइजर है ये मेटल में होता है, ये प्लास्टिक में नहीं है, ये यूनिवर्सल है, किसी बाइक पे किसी भी स्कूटी पे लगा सकते हो। और वहीं अगर नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पर आप जिस तरह क्लैंप लगा रखें, जिससे आप नंबर प्लेट एक्सटेंड क्लैंप कह सकते हो, जिससे क्या होता है नंबर प्लेट प्रॉपर तरीके से आती है, वरना नंबर प्लेट को टेढ़ा करके इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ से देखो आप कितना बाहर है, देख रहे हो कितना प्रोफेशनली वर्क है, यहाँ से देखो गाइस, ये देखो। और गाइस, नंबर देख सकते हो कहाँ का है, करीब 272 किलोमीटर दूर से गाड़ी आई हुई है। और यहाँ पर हैंड ग्रिप इंस्टॉल है जो काफ़ी कंफर्टेबल है, ये देख सकते हो, जो वो भी ब्लैक और रेड की है सेम। सो गाइस, दूर से काफ़ी अच्छा लुक, अट्रैक्टिव लुक लग रहा है यहाँ से देखो, और दूर से कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। और वहीं गाइस, इसके अंदर सिमटेक का हज़ार सिस्टम डाला हुआ है, जिसमें आपको 40-50 तरीके के डिज़ाइन मिल जाते हैं। डिज़ाइन यही कि जो इंडिकेटर में आपके बिलिंग हो रहे हैं ना, ये डिज़ाइन चलेंगे 40-50 तरीके के, और साथ ही में आपको एक साल की गारंटी मिल जाती है। और गाइस, ये है ना इसका स्विच, सो गाइस वाले स्विच को अगर आप लेफ्ट राइट और बीच में प्रेस करते हो ना, यानी कि इस तरफ और इस तरफ और बीच में दबाते हो, तो इसके पैटर्न चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ये देख सकते हो आप। तो उसी हिसाब से इसके अंदर LED बल्ब भी लगा रखे हैं, क्योंकि हैलोजन का फोकस और ब्राइटनेस होती नहीं है, तो यहाँ पर LED बल्ब यूज़ कर रहे हैं ये, जो कि चार बल्ब, यानी कि दो आगे और दो पीछे वाले इंडिकेटर में। देखो फ्रंट में आपने देख ही लिया, ये आप बैक साइड से भी देख सकते हो। और गाइस, ग्राफिक आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लुक दे रहे हैं, और यहाँ का सेटिंग देखो, और ये जो मिरर थे आपको ना इस साइड में इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, और इस मिरर के इस साइड में इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ड्यूअल साइड इंडिकेटर के ऑप्शन है, ये देख सकते हो आप। यानी कि ये वाले जो मिरर है आपके इंडिकेटर का भी काम करेंगे, और मिरर का काम तो करते ही ऑफिशियली, ये देख सकते हो आप। और गाइस, ये है आपके स्लाइडर, जिसका बेसिकली जो वर्क होता है, कभी इनकेस अगर आपका बाइक गिरता है तो आपका इंजन और आपके टैंक रह जाते हैं प्रोटेक्ट, और कुछ इस तरीके से लुक देते हैं, एक इस साइड इंस्टॉल्ड है और एक इस साइड से, देख सकते हो आप।
और गाइस इसमें कलर बहुत सारे मिल जाते हैं, ये जो है आपका रेड के हिसाब से लिया गया है, इसमें आप जो चाहो वो कलर आपको मिल जाता है। सो ये तो थी एक्सेसरी जो मैंने आपको दिखाई, और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ जो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी रेयर है। देखो ये वाला आपका टायर वगैरह जो कंपनी फिटेड आता है, यानी कि आप अगर अपाची लेते तो आपको ये वाला टायर वगैरह मिल जाता है लगा हुआ, आपने देखा होगा ये, ठीक है। तो इसको हटाकर लगाया, ये वाला टायर वगैरह लगाया जो कि फुल्ली मेटल में है, ये देखो कितना हैवी क्वालिटी का है, और अभी तक किसी ने भी नहीं लगाया होगा इस तरीके का टायर वगैरह। TVS रेडर पर लगाया था और उसके बाद अभी ये लगाया है अपाची पर, ये देखो दूर से कुछ इस तरीके का लुक दे रहा है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे जहाँ भी, और इस टायर हैगर का सबसे बेसिकली जो वर्क है वही है ये, तो ये यूनिवर्सल है, यानी कि किसी बाइक पे लगा सकते हो। दूसरा इस पे नंबर प्लेट लगा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटर भी लगा सकते हो, जिन लोगों को ये वाला पार्ट हटाना है ना, तो इस पार्ट पर नंबर प्लेट या बैकलाइट या इंडिकेटर जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे उस हिसाब पर लगा सकते हो, या फिर अगर आपको कोई अपने नाम की नंबर प्लेट लगानी है, जैसे लाइक राजपूत वगैरह लोग लिखवा लेते हैं, या राणा, या आपने देखा हो खान, तो उस तरीके से भी आप इस पर लगवा सकते हो, कुछ लिखवा सकते हो, तो ये डिपेंड करता है, या सिंपल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखो भाई। और यहाँ से कोई इस तरीके से लुक आ रहा है दूर से, देखो ये देखो भाई यहाँ से देखो कितना बेहतरीन से लग रहा है। सो बाकी सारी मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज मैंने आपको दिखा दी, ये थी अपाची।